नमस्कार चाणक्या आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है शीत युद्ध की अवधि यानी उन्नीस से उन्नीस की अवधि जिसमें विश्व का लगभग ध्रुवीकरण हो चुका था इसमें एक पक्ष का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था तो दूसरे पक्ष को नेतृत्व सोवियत संघ दे रहा था सोवियत संघ की स्थापना रूसी क्रांति के पांच साल बाद यानी कि 1922 ईस्वी में हुई थी सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जिसे यूएसएसआर या यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के रूप में जाना जाता है के संघ में रूस और चौदह आसपास के देश शामिल थे यूएसएसआर का क्षेत्र पूर्वी यूरोप में बाल्टिक राज्यों से लेकर प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था जिसमें अधिकांश उत्तरी एशिया और मध्य एशिया के हिस्से शामिल थे इसी सोवियत संघ में यूक्रेन भी शामिल था एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं यह है कि उन्नीस में सोवियत संघ के तब के सर्वोच्च नेता निकिता ने यूक्रेन को एक तोहफे के रूप में क्रिमिया दिया था यह वही क्रिमिया है जिसे रूसी साम्राज्य में सत्रह में कैथरीन द ग्रेट के शासन काल में मिलाया गया था कैथरीन द ग्रेट रूसी साम्राज्य की महारानी थी चलिए आगे बढ़ते हैं कि 1991 में जब सोवियत संघ टूटा और यूक्रेन और रूस अलग अलग हुए तो दोनों देशों के बीच क्रीमिया को लेकर झगड़ा शुरू हो गया 1991 में यूक्रेन ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी और मई 2002 से यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू कर दी उन्नीस में बना नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उत्तरी अमेरिका और यूरोप का एक साझा राजनीतिक और सैन्य संगठन है इसका क्या मकसद है इसका मकसद है कि अगर कोई बाहरी देश किसी नाटो सदस्य देश पर हमला करता है तो फिर उस स्थिति में बाकी सदस्य देश हमला झेल रहे देश की सैन्य और राजनीतिक मदद करेंगे परंतु रूस यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का विरोध करता रहा इसी बीच फरवरी 2010 में यूक्रेन में आम चुनाव हुए और इस आम चुनाव में विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने यानुकोविच रूस के समर्थक थे एक महत्वपूर्ण घटना घटी नवंबर 2013 में घटना यह थी कि यानुकोविच यूरोपियन यूनियन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने से पीछे हट गए कहा जाता है कि इस समझौते से यूक्रेन को 15 अरब डॉलर का आर्थिक पैकेज मिलने वाला था ऐसा माना गया कि यानुकोविच के इस कदम के पीछे रूस का हाथ था यानुकोविच के फैसले के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए फरवरी 2014 में यूक्रेन की राजधानी कीव में दर्जनों प्रदर्शनकारी मारे गए प्रदर्शन और तेज हो गए आखिरकार यानुकोविच को देश छोड़कर जाना पड़ा और विपक्ष सत्ता में आ गया अब सामने आई रूस की प्रतिक्रिया यूक्रेन में यूरोपीय यूनियन के समर्थकों की सत्ता आने के बाद रूस ने क्रीमिया पर कब्जे के लिए अपनी गतिविधि तेज कर दी फरवरी 2014 में ही रूसी बंदूकधारियों ने क्रीमिया में सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया ठीक अगले दिन क्रीमिया के दो हवाई अड्डों पर भी उनका कब्जा हो गया क्रीमिया पर कब्जा करने वाले सैनिकों की वर्दी पर कोई बैज नहीं था शायद इसलिए ताकि ये मानने से इनकार कर दिया जाए कि ये रूसी सैनिक हैं आगे मार्च 2014 को क्रीमिया की संसद में जन्म संग्रह कराने पर सहमति बनी और बिना समय गवाए मार्च में ही क्रीमिया में जन्म संग्रह करवाया गया जिसमें संतानवे फीसदी लोगों ने रूस में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया इस जनमत संग्रह को अमेरिका और यूरोपीय देशों ने अवैध करार दिया हालांकि रूस ने दलील हैं और दलील साठ हैं। क्रीमिया पर हमले के लिए अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए हालांकि पुतिन ने इन प्रतिबंधों को नजरअंदाज किया उस समय पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में चल रहे राजनीतिक संकट से वहां रह रहे जो रूसी मूल के लोग हैं उनकी जिंदगी तबाह हो गई है आगे जो विकास हुआ कि रूसी समर्थित नेता को क्रीमिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया फिर मार्च 2014 को पुतिन ने अक्सियोनोव से मुलाकात की और क्या परिणाम निकल कर आया परिणाम निकल कर आया एक संधि पर हस्ताक्षर जी हां और इस संधि पर हस्ताक्षर के साथ ही क्रीमिया रूस का हिस्सा बन चुका महज कुछ ही घंटों बाद रूसी सैनिकों ने क्रीमिया में यूक्रेनी नौसेना के मुख्यालय समेत कई ठिकानों पर कब्जा कर लिया इससे पहले यूक्रेन ने क्रीमिया से पच्चीस हजार सैनिकों और उनके परिवारों को निकाल लिया था यह लड़ाई बिना युद्ध के ही खत्म हो गई परंतु क्रीमिया पर कब्जे के बाद भी और रूसी समर्थकों और यूक्रेन के बीच संघर्ष होता रहा यूरोपीय देशों को यह डर था कि कहीं रूस पूर्वी यूक्रेन पर भी कब्जा न कर ले और यह ना हो इसके लिए एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई जिसका परिणाम था मिन्स्क समझौता दरअसल 2014 और 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में समझौते हुए थे इसलिए इसे मिन्स्क समझौता कहा जाता है 2014 में जो समझौता हुआ उसे मिन्स्क फर्स्ट और 2015 के समझौते को मिन्स्क सेकंड कहा जाता है यूक्रेन के पूर्वी इलाके में उस समय चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए यूक्रेन रूस और ओएससीई जो कि एक यूरोपीय संस्था है के बीच यह समझौता हुआ था सितंबर 2014 को मिन्स्क में जो समझौता हुआ उसमें 12 मुद्दों पर सहमति बनी इसमें कैदियों की रिहाई और हथियारों की वापसी की बात भी शामिल थी हालांकि दोनों देशों के उल्लंघन के कारण समझौता टूट गया फरवरी 2015 में हुआ द्वितीय समझौता फरवरी 2015 में एक बार फिर सभी पक्ष साथ आए इसके साथ ही डोनेस्क और लुहानस्क के अलगाववादी नेता भी शामिल हुए यहां पर तेरह पॉइंट के एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए इन तेरह पॉइंट में डोनेस्क और लुहानस्क में चुनाव कराए जाने की बात भी शामिल थी ये समझौते यूक्रेन की सेना और रूसी समर्थक विद्रोहियों के बीच लड़ाई खत्म करने के लिए किए गए थे हालांकि ये कभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ अब अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें तो पिछले कुछ महीनों से यूक्रेन को लेकर और रूस का रवैया काफी आक्रामक रहा है रूस के इसी रवैये का परिणाम है रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन द्वारा पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और को अलग देश के रूप में मान्यता देना। डोनेस्क और लोहानस्क क्षेत्र में रूसी समर्थित अलगाववादी 2014 में यूक्रेनी सरकार के नियंत्रण से अलग हो गए और खुद को गणराज्य घोषित कर दिया जिसे अभी तक रूस के अलावा इसी ने मान्यता नहीं दी है डोनेस्क और क्षेत्र को सामूहिक रूप से डोनबास के रूप में जाना जाता है रूसी मान्यता का आखिर यहां पर क्या अर्थ है तो सबसे पहली बात तो यह कि रूस पहली बार यह कह रहा है कि वह डोनबास को यूक्रेन का हिस्सा नहीं मानता है इस मान्यता के बाद से रूस यूक्रेन के खिलाफ डोनबास की रक्षा के लिए इस क्षेत्र में सैन्य बलों को खुले तौर पर भेज सकता है जिसकी इजाजत रूस की संसद ने भी दे दी है इसके पीछे रूस का यह तर्क होगा कि रूस एक सहयोगी के रूप में यूक्रेन के खिलाफ डोनबास की मदद कर रहा है डोनबास क्षेत्र को मिली रूस की मान्यता ने स्पष्ट तौर पर कई संकेत दिए हैं पहला कि अगर अमेरिका और रूस के साथ स्थायी एवं संतुलित संबंध बनाकर अपना ध्यान इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर रखना चाहता है या लगाना चाहता है तो एक समय सोवियत संघ में शामिल हुए देशों को किसी भी तरीके से नाटो में शामिल करने का प्रयास ना करें दूसरा यूरोपीय देश रूस के महत्व को नजरअंदाज ना करें तीसरा रूसी राष्ट्रपति पुतिन कहीं ना कहीं फिर सोवियत संघ के गठन की रणनीति को शायद वास्तविक रूप दे रहे हैं अब जाते जाते एक और बात कि जिस तरह रूस ने डोनबास क्षेत्र को अपनी मान्यता दी है ठीक इस तरह की मान्यता किसी और क्षेत्र को दी है या नहीं तो इसका जवाब है हाँ 2008 में जॉर्जिया के साथ एक छोटा युद्ध लड़ने के बाद रूस ने जॉर्जिया के दो अलग अलग क्षेत्रों अब काजिया और दक्षिण ओसेसिया स्वतंत्रता को मान्यता दे दी थी इतना ही नहीं इन क्षेत्रों को रूस ने व्यापक बजटी सहायता प्रदान की उनकी आबादी को रूसी नागरिकता प्रदान की और वहां हजारों सैनिकों को तैनात किया इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएट अपडेट